जजेस जी रिपोर्ट अदालत में पेश कई वही खबर अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के हुक्म से मुख्तलिफ़ इलाकन के जजेस रिपोर्ट अदालत में पेश कर छी। सिविल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नंबर एक दादू, सिविल जज जोही, सिविल जज मेहर, सेशन जज केन शाह रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा कराई। जिलन तोड़े तालुकन में बोर्ड मुतासन के को भी रिलीफ फराम ना थी सको जजेस रिपोर्ट में जानायो आहे। अपडेट क्यों पे आवा के बोर्ड मुतासन की सहायता न थियण वाले मामले के हवाले से मुख्तलिफ इलाकन के जजेस रिपोर्ट अदालत में पेश कर छी है। सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के हुक्म से मुख्तलिफ जजेस की रिपोर्ट अदालत में पेश कई पी। सिविल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नंबर वन दादू, सिविल जज जोही, सिविल जज मेहर, सेशन जज केन शाह रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा कराए छी है। जिलन तोड़े तालुकन में बोर्ड मुतासन के को भी रिलीफ फराम ना थी सको जजेस रिपोर्ट में जानायो है। अपडेट क्यों पे आवां के खबर के हवाले से सिविल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नंबर एक दादू, सिविल जज जोही, सेशन जज केन शाह रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा कराए छी है। अपडेट क्यों पे जिलन तोड़े तालुकन के बोर्ड मुतासन के को भी रिलीफ फराम ना थी सको जजेस रिपोर्ट में जानायो है। बोर्ड मुतासन की सहायता न थियण वाले मामले के हवाले से बुधाई पा मुख्तलिफ इलाकन के जजेस रिपोर्ट अदालत में पेश कर छी है। अपडेट क्यों पिया सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के हुक्म से मुख्तलिफ इलाकन के जजेस रिपोर्ट अदालत में पेश कर छी है। तफसील मालूम कदासी लाइन मौजूद है केटी न्यूज रिपोर्टर इमाम अली भलाई जी। इमाम अली अपडेट कजो। इमाम अली केड़ा तफसील आहिन? जी बिल्कुल, हैदराबाद में बोर्ड मुतासन की सहायता न थियण वो मामलो सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद जो है जैमें मुख्तलिफ इलाकन के जजन अदालत में रिपोर्ट पेश कर छी है। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट एक नंबर दादू, सिविल जज जोही, सिविल जज मेहर, सेशन जज केन शाह रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा कराए छी है। सिविल जुडिशल मजिस्ट्रेट ब नंबर सागर, सिविल फैमिली मजिस्ट्रेट टर्नो आदम, सिविल जज शहदादपुर, सिविल जज खिपरो समेत बिन जजेस रिपोर्ट पेश कर छी है। जिलन तोड़े तालुकन में बोर्ड मुतासर के को भी रिलीफ फराम ना थी सको जजन अड़ी रिपोर्ट में रिपोर्ट कराया है। जैमें उनको चवण है समूरी सिंध में जो बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह थी चुको है। हजारे एकड़ जमीन अजा तीन पानी में बुदल है। मान जहा घर जो डही चुका मू सख्त तकलीफन में आन पोखल जो फसल वो भी तबाह थी है। सिंध हुकूमत इन वक्त तीन का सार ना रही। अज जो है सिंध हाईकोर्ट में मुख्तलिफ जो जिलों का ताल्लुक रखंदड़ तालुका जी जजन बिन जजन जो है रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में पेश कर छी है। जी इमाम अली भलाई तफसील बुधाने लाइ महरबानी।